हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं केदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। बिल्कुल, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस केस में होता है, क्या उनके जो बेसिकली मैथमेटिकल जो हमारे प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे हम जानते हैं कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो नाम है ये अपने आप सजेस्ट कर देता है, ये कतई आसान चैप्टर मैं आपको बस बता रहा हूँ। देखिए टॉपिक कैसा है कि कोई भी एक फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस प्रकार से, आपको देखते ही पता चल गया कि सर ये तो इंक्रीज कर रहा है। मतलब आप इसको देख के जानगे कि ये फंक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप वो कैसे जाने कि वो इंक्रीज कर रहा है? सर वो देख के ही जाने ना, और कैसे जानेंगे। बिल्कुल सही बात है, देख के ही जाने। इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स वन, यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स टू, दो पॉइंट लेता हूँ, तो एक्स वन की वजह से हमने जो देखा उसका आउटपुट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको क्या लिखें? क्या सर इसको एफ ऑफ एक्स वन लिख लें? बिल्कुल। अगर एक्स टू की वजह से ये आउटपुट है, इसको क्या लिखेंगे? सर दुनिया वाले कहेंगे इसको एक्स टू लिखेंगे। तो क्या आप ये मानते हैं और ये जानते हैं कि आपको पता है कि जो एक्स वन है वो लेस देन एक्स टू है? है कि नहीं? इतना समझ में आया आपको? ये जो x1 है ये x2 से छोटा है, ऑफकोर्स नंबर लाइन में इस तरह बढ़ते जाता है, लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का कंपेरिजन जब हम करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा कि अच्छा f ऑफ x1 जो मेरे प्यारे बच्चों हैं, f ऑफ x1 ये वाला वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक, वो भी तो छोटा है f ऑफ x2 से। बिल्कुल, इतना तो समझ में हमें आ गया है। तो बेसिकली इसको देखते ही हमको इतना समझ में आता है कि अगर x1 इज लेस देन x2 है और f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है, तो ये जो फंक्शन है ना वो ऐसे धीरे 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 अपनी गतियों के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन ना इतना बोलना काफी नहीं है। बेसिकली मैथमेटिकली हम इसको अगर हम डिफाइन करने चाहेंगे तो कैसे तरीके में कर सकते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली कोई भी जो फंक्शन होता है ना वो पांच उसके डिफरेंट कैटेगरी होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने के। कितने? पांच कैटेगरी। क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पहले इंक्रीजिंग यानी जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब इसका क्या मतलब है सर? बताऊंगा, रुकिए तो सही। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम तीसरा फंक्शन के बारे में बात करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। उसके बाद फोर्थ फंक्शन के बारे में, बिल्कुल हम बात करेंगे किसके बारे में? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और चौथा जो पांचवा फंक्शन है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इन पांच फंक्शन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आज अभी इसी वक्त। बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको, जैसे आपको देखते ही लग रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और नीचे एक लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इन दोनों में सर कुछ तो फर्क होगा। उसी फर्क को हम अभी जानेंगे। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब हम आराम से समझ सकते हैं। यहां पे देखिए मैं एक फंक्शन का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? वो कुछ ऐसा है, इतना समझ में, मतलब यहाँ पे ये सीधा फ्लैट हो गया है, उसके बाद ऐसा है। अब आकर आप इस फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है x1, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट x1 है और यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे x2 को, सॉरी ये एफ ऑफ एक्स वन है नॉट एक्स टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन है, और अगर थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक्स टू है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे एफ ऑफ एक्स टू, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स वन से एक्स टू बड़ा है क्योंकि राइट साइड एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उससे बड़ा है। और आपको वाई एक्सिस में क्या पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स वन से भी एफ ऑफ एक्स टू बड़ा है, यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू के बाद? एफ ऑफ एक्स थ्री जो पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स थ्री है, इसका मतलब x2 से x3 बड़ा है, फिर भी f ऑफ x3 जो है वो f ऑफ x2 के ही सीधा आता है। क्या आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? वो मतलब उसके सीधा ही आ रहा है। इसका मतलब इस जगह पे फंक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके बाद फिर से वो अपना एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऊपर उठा लिया, बोला कि अच्छा अब मैं फिर से बढ़ूंगा, अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट ले लूंगा x4, तो f ऑफ x4 फिर सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है,
फिर ऐसे रुक रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये इंक्रीजिंग नहीं है, बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये क्या नहीं है, शरीर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अच्छा, इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पे ये इंक्रीज ही नहीं करते जा रहा है, एक पॉइंट पे ऐसा भी आ रहा है कि वो फ्लैट हो जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये बात, एक पॉइंट अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे फ्लैट हो जा रहा है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं एक और एग्जांपल ऐसे लेता जहाँ पे ये बेसिकली ऐसे ही फंक्शन चलते जा रहा है, कहीं भी ऐसा कोई फ्लैट फ्लैट सरफेस है ही नहीं, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऊपर वाला क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन, क्यों, कहीं के फ्लैट भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल आता है कि सर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सवाल के साथ जवाब जुड़ा है। यहाँ पे देखिए क्या कहना की तात्पर्य क्या है कि अगर ये पॉइंट है x1, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है x2, ठीक है, और इसी प्रकार से इक्वेशन यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्ट्रिक्टली नहीं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली का भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉइंट x1, ये हो गया हमारा पॉइंट x2, यहाँ पे है f of x1, और ये वाला पॉइंट है यहाँ पे देखिए f of x2, यहाँ पे क्या है ये वाला x1, यहाँ पे देखिए ये वाला x2, यहाँ पे ये f of x1 और ये वाला है f of x2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये सेम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि x1 x2 से छोटा है, मतलब आप ऐसे लिखेंगे x1 is less than x2, आपको पता है कि वो छोटा है, है ना। क्यों, क्योंकि x1 पहले आता है नंबर लाइन में, उसके बाद x2 आता है, तो ऑफ कोर्स जो पहले आता है वो तो छोटा ही होगा। अच्छा, अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है f of x1 और f of x2 का क्या रिलेशन है, क्या आपको पता है। सर देखिए क्या है कि हम इतना तो जानते हैं कि f of x1 f of x2 से यहाँ पे छोटा है, बट आप ये भी बोलेंगे सेम भी हो सकता है। बिल्कुल यही तो है कि f of x1 is less than equals to f of x2, मतलब लेस भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका f of x बढ़ेगा या तो सेम भी रह सकता है, फ्लैट। समझ में आया, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से f of x1 f of x2 से छोटा है, बट कभी कभार सेम भी हो सकता है। यहाँ पे आपको समझ में, सर आप बोलेंगे x1 तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, देखिए x केवल एक इंडिकेटर है, x एक वेरिएबल है, मतलब x इसके पॉइंट को भी तो x ले सकते हैं ना, यहाँ पे भी x ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बोलेंगे कि f of 3 जो है f of 4 वही है क्योंकि सेम है, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। अगर x1 से इधर x2 बढ़ते जा रहा है मतलब अपने आप f of x1 से f of x2 का जो हाइट है वो ऊपर बढ़ते ही जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि when x1 is less than x2 then f of x1 is less than f of x2, strictly, उसमें और कोई दोराहा वाली बात नहीं है, उसमें कोई ओपिनियन लेने का सवाल नहीं उठता। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ा जाए, ओके। तो हम यहाँ पे दोनों जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको भी थोड़ा सा साइड में इसको लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि if x1 equals to x2 implies f of x1 is less than equals to f of x2, इतना समझ में आपको, ये याद रखने वाला बात है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर strictly increasing है तो if x1 is less than x2 then this implies f of x1 is definitely less than f of x2, इतना क्लियर, इतना समझ में आया। अच्छा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाएगा, आप खुद सोचिए। सर देखिए जो ऊपर से नीचे से नीचे डिक्रीज हो रहा है वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला फंक्शन मैंने किया और कुछ ऐसे ही हो रहा है, तो पहले ज्यादा फिर कम हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे आप जैसे क्या मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका x1 और यहाँ पे हो गया आपका मान लीजिए x2, तो आपको पता है कि क्योंकि ये एक नंबर लाइन है तो पहले x1 आता है फिर x2 आता है, तो आपको पता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में x1 x2 से बड़ा तो नहीं होगा। आपको यहाँ पे पता है कि पहले x1 आएगा, मतलब आप इतना क्लियरली लिख दिए क्या कि x1 is less than x2, that is पक्का for sure fix है, लेकिन उसका जो आउटपुट है मतलब जो f of x1 है वो ज्यादा है। देखिए f of x1 ज्यादा है, ये वाला f of x1 है वो ज्यादा है जबकि f of x2 है वो छोटू सा है उसके सामने। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2, भले ही x1 x2 से छोटा है लेकिन जो x1 का फंक्शन है वो बड़ा है, तो आप इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी सेम झोल लगेगा, इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने लगा इक्वल टू लगाए तो वो डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग का केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब ये वाला हमने फंक्शन ऐसा लिया हुआ है ऐसा, ये वाला केस
और ऐसे डिक्रीज करके फ्लैट होगी भी तो डिक्रीज हो सकता है ना, तो हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में, अच्छा ये वाला थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, दिस इज फिक्स, वो नहीं बदलने वाला, बट दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये है डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली क्या है कि ये इक्वल टू वाला साइन हट जाएगा, मतलब क्या बोलेंगे हम इसको कि जैसे कि ये वाला जैसे नीचे आया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे और इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम फिक्स है कि एफ ऑफ एक्स वन उससे बड़ा है, तो लिखने वाले क्या लिख दिए कि एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे बच्चों और बताने की जरूरत नहीं, नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग क्या केस में हो सकता है, मतलब ना आप बता सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, ना आप बता सकते हैं डिक्रीजिंग है, हिसाब किताब गड़बड़ है, तो आप बोल सकते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, जो कि आपका फ्लैट है वो भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में आप बोल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया, तो चले क्यों ना इसके साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ दिया जाए। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो हमने मैथमेटिकली लिख दिया, लेकिन हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का, मतलब एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल, और वो सबसे आसान है, इसका जो एप्लीकेशन बेस है वो डिफरेंशिएशन के यूज करके कतई आसान है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए सिंपली यहां पे देखिए, ये जो फंक्शन यहां पे जैसे ये बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो यहां पे देखिए ये जो स्लोप होगा, इसका स्लोप कुछ इस तरह होगा, ठीक है, इसका स्लोप कुछ इस तरह होगा, ऐसे कुछ स्लोप होता रहेगा, अगर इस ऐसे पूरा जोरदार का बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसका जो स्लोप है वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा, अगर वो ऐसे होता है तो स्लोप क्या होता है, धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना इतना ध्यान नहीं देना है, सिंपली बात यह है कि अगर किसी फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कोई भी फंक्शन का जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये मान लीजिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका जो स्लोप है एफ डैश एक्स, अगर वो पॉजिटिव है, अगर आपको पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन उसका स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमें पता चला कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो स्लोप है, यानी अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि अच्छा तुम बताइए जीरो होगा तो क्या होगा, ये तो लेस देन ग्रेटर देन लिख दिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई भी फंक्शन का स्लोप जीरो है ना, वो तो फ्लैट जा रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कहाँ इंक्रीज और डिक्रीजिंग कर रहा है, वो तो फ्लैट सरफेस में जा रहा है, क्या आप तो मेरी बात पहुंच पाई। तो बेसिकली हम इन दोनों का यूज करके करते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने एक प्यारा सा सवाल मैं लेके आया हूँ, जिसमें क्या लिखा है, शो दैट एफ ऑफ एक्स अच्छा इक्वल्स टू, क्या बोला है देखिए, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, जहाँ पे कि x belongs to R is increasing on R, मतलब यहाँ पे आपको बोला कि पूरा का पूरा R सेट में ये इंक्रीज करता है, इसका मतलब हम मैथमेटिकली आप बोलेंगे कि इसका जो स्लोप है यानी f dash x पॉजिटिव होना चाहिए, इतना ही तो प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखने वाले लिख दे क्योंकि हमको सरकार ने क्या सवाल दिया है कि f of x equals to x cube minus 3x square plus 4x, ओहो ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताइए। अच्छा उसके बाद हम करेंगे एफ डैश एक्स, यानी उसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर, बोलो सही, इसमें कोई दिक्कत वाले याद नहीं है, अरे इतना आया ना, इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स प्लस फोर, इतना क्लियर है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फोर को देखिए, यहाँ पे देखिए थ्री थ्री कॉमन जा सकता है, लेकिन फोर को क्या करें, क्या मैं फोर को, आपकी अगर इच्छा हो और इजाजत हो तो क्या मैं थ्री प्लस वन लिख दूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओहो तो क्या मैं थ्री को कॉमन भी ले लूं, बिल्कुल, देखिए थ्री को कॉमन लेते ही यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला वैल्यू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, जो कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स है। पर यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थ्री इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ओहो। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलरली जब समथिंग माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है। मान लेते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट में जीरो ले लेते हैं, तो थ्री इंटू जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो प्लस वन पॉजिटिव, और अगर ये जीरो नहीं हुआ पॉजिटिव हुआ तो थ्री इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस वन पॉजिटिव, यानी इन एनी सर्कमस्टेंसेस द होल थिंग विल बी
एब्सोल्युटली पॉजिटिव, और जहां पे FDSX पॉजिटिव होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, शो दैट, मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमेशा इंक्रीज करेगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल, चलिए एक और सवाल आप लोगों के सामने है, और एक कतई आसान लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सवाल, देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब एक फंक्शन है जो कि कॉस एक्स है, वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई। जीरो से पाई के अंदर ये डिक्रीज करना चाहिए, हमारा सवाल है। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात एकदम दिमाग में पहली बत्ती जल गया कि अच्छा, इस फंक्शन के बारे में जो बात करना है तो यानी इसके बारे में बात नहीं करना है। हमें तो पता है, दुनिया वाले कह गए कि एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, लेकिन हमें किसके बारे में बात करना है, हमें एफ डेस एक्स के बारे में बात करना है। और एफ डेस एक्स माने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ओहो, क्या मैं नेगेटिव साइन एक्स लिख दूं? बिल्कुल सही। अब हम चेक करेंगे जीरो से पाई के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचिए, जीरो मतलब यहां पे जब आप साइन का साइकिल लेंगे यहां पे, तो यहां पे जीरो है, अच्छा ये पाई बाय टू और ये पाई है। आपको पता है कि जीरो से पाई के अंदर साइन का क्या वैल्यू होता, छोड़िए साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता कि नेगेटिव, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो साइन यहां से जीरो से लेकर यहां तक साइन पूरी तरह से जीरो से पाई बाय पाई के अंदर पॉजिटिव है, यानी ये पूरा का पूरा जो एफ डेस एक्स का जो वैल्यू है, ये जीरो से पाई के अंदर साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई ओपन ब्रैकेट। आपको इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जीरो से बड़ा और पाई से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे साइन एक्स के बारे में बात नहीं हो रहा, हमारे माइनस साइन एक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी मैं यहाँ से माइनस लगाते ही ये ग्रेटर देन साइन हट जाएगा और ये लेस देन साइन बन जाएगा, जो कि डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स का। अच्छा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई। इतना समझ में आया, गजब। अच्छा, जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जब हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, पाई से पाई बाय टू, मतलब पाई से लेके टू पाई बाय टू पाई। अब यहाँ पे पूरा का पूरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमेशा नेगेटिव, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई से लेके टू पाई। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमारा लगा है माइनस साइन, यानी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर साइन एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल यही तो हम चाहते हैं कि ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑन पाई टू टू पाई। क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो होता ही वो इंक्रीज होता है। और थर्ड पॉइंट तो आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड पॉइंट में आपको जीरो से पूरा का पूरा टू पाई पूछा है। अरे मेरे भाई, जीरो से टू पाई के दो पार्टीशन में, पहले में वो जा रहा है डिक्रीजिंग, सेकेंड में जा रहा है इंक्रीजिंग, तो कैसे बताएं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो हम उसको क्या बोल देंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या तक मेरी बात पहुंच भाई? ओके, तो आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन क्या जाए, चलिए करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं एक और सवाल, बड़ा ही मजेदार सवाल है, देखते ही मजा आ जाएगा। देखिए क्या बोला है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, मतलब इसमें ये नहीं बोला कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फाइंड करो, नहीं, ये बोला है कि वो इंटरवल फाइंड करो जहां पे ये इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऊपर भी गया है नीचे भी गया है, हमें क्या जानना है कि कहां पे ऊपर गया कहां पे नीचे गया, मतलब बेसिकली कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। चलिए फाइंड करते हैं, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। अरे डिफरेंशिएशन चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं, तो क्या करें। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, भूले भटके अगर मैंने एफ डेस एक्स निकाल दिया तो दुनिया वाले जानते हैं कि 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12x स्क्वायर। बोलो सही है। हाँ सर सही है। सर 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 12x है। बिल्कुल, तो माइनस 12x कर दे। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 72, और 30 का तो कोई इज्जत ही नहीं है, डिफरेंशिएशन होता ही वो जीरो, हाथ खड़े करके जीरो बोले गया, और मेरा राम नाम सत्य है। तो यहाँ पे देखिए एफ डेस एक्स हमको मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, चुपके से 12 को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो 12 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स को जब ब्रेक करेंगे तो कितना आता है कि यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ 2-3 का हिसाब किताब सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 into, ये वाला वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 3x करता हूँ, देखिए 2-3 - x और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ 12 into, x कॉमन गया तो ये वाला हो जाएगा आपका x प्लस 2, है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना है माइनस 3,
कॉमन गया तो एक्स प्लस टू, इतना समझ में आया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कॉमन जा रहा है सर? एक्स प्लस टू कॉमन जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स प्लस टू और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, बाहर तो एक 12 है ही, उसको छोड़ो। लेकिन जब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वो जो पॉइंट्स निकालने, जब आपको ऐसे इंटरवल निकालना हो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि जीरो से बड़ा छोटा छोड़िए, जीरो कहाँ पे होता है, मतलब ये पूरे का पूरा वैल्यू एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि उसी इंटरवल के या तो लेफ्ट या तो राइट, इसी इंटरवल ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, ऐसे ही आउट ऑफ रैंडम इंटरवल नहीं आता है। एफ डैश एक्स जिस वैल्यू पे जीरो आता है उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, उन्हें इसी तरह से कैसे इंटरवल आता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, हमें पता चल गया कि अगर इस पूरे वैल्यू को जीरो होना है तो इन दोनों में से किसी को जीरो होना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से किसी को जीरो होना पड़ेगा तो यानी एक्स का वैल्यू इधर नेगेटिव टू है और x का वैल्यू 3 है। बस यहां पे हमें नंबर लाइन मिल जाएगा। नंबर लाइन में अभी हमें इंटरवल निकालना है, ये आंसर नहीं है, यहां पे तो 0 होता है, ठीक है। मैं हमें 0 नहीं करना है, कहां पे ग्रेटर देन 0, कहां पे लेस देन 0। अब देखिए, एक छोटा सा प्यारा सा हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करते ही माइनस टू तो सबसे पहले आएगा, दिखेगा, है ना, उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपका 3। तो ये कितने पार, कितने पार्टीशन में डिवाइड हो गया, 3 पार्टीशन में। कैसे देखिए, ये नेगेटिव इन्फिनाइट से लेके नेगेटिव 2 तक, टू माइनस टू से लेके 3 तक और 3 से लेके इन्फाइनाइट तक, इसी में से ये जो तीन इंटरवल है उन्हीं में से कोई एक इंक्रीज होगा और कोई डिक्रीज होगा, कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तीनों इंटरवल को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहले मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू, ये इंटरवल मैंने एक लिख दिया, और एक इंटरवल मैंने लिखा माइनस टू से लेके आपका 3 तक मैंने लिख दिया, और एक इंटरवल मैंने लिख दिया 3 से लेके इन्फाइनाइट तक। ये तीनों इंटरवल लिख दिए। अब हम इसमें टेस्टिंग करना है कि वो क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप खुद सोचिए, जरा सोचिए, यहाँ पे देखिए कितना आसान है। माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस टू का मतलब है जो भी वैल्यू है वो माइनस टू से छोटा है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इसमें इनको पुट करने की कोशिश करूं, यही तो एफ डैश एक्स है ना, इसको अगर मैं पुट करने की कोशिश करूं तो अगर वो माइनस टू से छोटा है तो यहाँ पे देखिए माइनस टू, अगर एक्स का वैल्यू आया तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। मतलब ये वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसी पे ट्रायल करना है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर x का वैल्यू माइनस टू से छोटा है तो ये वाला तो माइनस फाइव हो जाएगा, और ये वाला मतलब मैं एग्जैक्टली माइनस टू पे बोल रहा हूँ, माइनस टू से छोटा तो और भी माइनस फाइव से छोटा होगा, लेकिन जो भी होगा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो माइनस टू से छोटा है उसमें आप क्या करेंगे, प्लस टू करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो तक पहुंच पाएगा क्या? क्योंकि अगर x माइनस टू होता और प्लस टू होता तो जीरो तक पहुंचा, पर अगर माइनस टू से छोटा है तो ये प्लस टू करने से भी जीरो नहीं पहुंचेगा, जीरो से हल्का छोटा होगा, यानी नेगेटिव होगा। हमें बस इसी से मतलब है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका कितना, नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला भी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो फाइनल आउटपुट है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर इसका फाइनल आउटपुट पॉजिटिव आएगा, हमें पता है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू तक, इतना क्लियर है। अच्छा, अब सेकंड वाला ट्राई करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला, माइनस टू से बड़ा लेकिन थ्री से छोटा। अब देखिए यहाँ पे जब आप ट्राई करेंगे, माइनस टू से जब बड़ा लेंगे यहाँ पे ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे जब 3 से छोटा लेंगे, तो कोई भी आप वैल्यू लेते ही 3 से यहाँ पे छोटा लेंगे और उससे 3 को माइनस करेंगे, यानी वो आएगा नेगेटिव, यानी सेकंड वाला क्या आएगा आपका नेगेटिव। पर यहाँ पे क्योंकि वो माइनस टू से बड़ा है और 2 पे ऐड करेंगे तो माइनस टू और 2 ऐड करते ही 0 आता है। अगर माइनस टू से बड़ा ऐड करेंगे 2 में वो तो ऑफकोर्स 0 से ज्यादा आएगा, यानी ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आते ही कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कौन से इंटरवल में सर, माइनस टू से लेके 3 में। थर्ड वाला ट्राई करें, देखिए थर्ड वाले में क्या है कि 3 से ही बड़ा। अब जब 3 से बड़ा है तो उससे 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दोबारा इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के मेरे प्यारे बच्चों दो इंटरवल है, कौन कौन सा, माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस टू, इतना समझ में आया, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। यूनियन क्योंकि आपको समझ में आया ना, क्योंकि ये वाला भी है और ये वाला भी है, इन दोनों में वो इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस टू से लेके जो 3 का इंटरवल है वो डिक्रीजिंग है। क्या आप तक ये मेरी बात पहुंच पाई, इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या एक और ट्राई कर लें, बिल्कुल चलिए ट्राई कर लेते हैं।
ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और कतई आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, आपको क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और आपको इसका इंटरवल डिफाइन करना है कि कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे ये डिक्रीजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आंख बंद करते ही एफडेस एक्स, बिल्कुल सही जवाब। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एफडेस एक्स फाइंड कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों सर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सर ये हमें लगता है कि हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। इतना समझ में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एफडेस एक्स का वैल्यू हम देखिए इंटरवल में, मैं थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको हल्का सा याद आ गया। तो यहां पे देखिए जीरो है, यहां पे आपका पाई बाय टू है, ये वाला पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, इतना क्लियर है। अब आपको याद है कि जीरो साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, और साइन पाई बाय टू होता है वन, लेकिन कॉस जीरो होता है वन। तो बेसिकली अगर आप देखा, अगर अगर आप देखेंगे यहां पे, ये जो कॉस पाई बाय फोर होता है ना, साइन पाई बाय फोर और कॉस पाई बाय फोर, ये दोनों होते हैं वन बाय रूट टू। मतलब सबसे पहले जब इधर से शुरू होता है तो कॉस जीरो बड़ा होता है और कॉस और साइन जीरो छोटा। जब यहां पे पहुंचता है तो कॉस 45 डिग्री या पाई बाय फोर भी वन बाय रूट टू होता है और साइन वाला भी वन बाय रूट टू होता है। जब क्रॉस करता है तो फिर कॉस धीरे धीरे छोटा होने लगता है और साइन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं कि इतने एरिया में कॉस बड़ा है साइन से। इतना क्लियरली समझ में आया? अच्छा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि वहां पे पाई बाय फोर का जरूरत है, अब मैं आपको बताता हूं कि पाई बाय फोर में क्यों बोल रहा हूं। आप देखिए यहां पे अगर एफ डेस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने क्या बोला कि इंटरवल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो पॉइंट जानना पड़ता है जिस पॉइंट पे वो जीरो होते हैं। ये जो पूरा का पूरा एफ डेस एक्स जीरो होता है, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, मैं इसको लिख देता हूं जीरो करके, तो इसका नेक्स्ट में क्या लिखूंगा मैं, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना, साइन एक्स इधर जम कर जाएगा। और इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, कॉस एक्स इधर, यहां पे देखिए साइन एक्स के नीचे डिवाइड हो सकता है, तो कॉस एक्स इधर जम करके चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इक्वल्स टू नथिंग बट वन। ओहो, इसका मतलब क्या आप सर ऐसा कहना चाहते हैं कि यहां पे सर टैन एक्स का वैल्यू भी वन हो जाएगा? बिल्कुल सर, लेकिन अगर टैन एक्स का वैल्यू वन है इसका मतलब एक्स का वैल्यू सर क्या क्या हो सकता है बताइए। सर एक तो क्लियर है कि पाई बाय फोर होगा क्योंकि टेन पाई बाय फोर वन होता है, और एक क्या होता है सर इधर 5 पाई बाय 4 भी 1 होता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो वो भी आपका हो जाएगा 5 पाई बाय 4। इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, जैसे इससे पहले निकला था माइनस 2 और 3, वैसे यहाँ पे हम पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 का रेफरेंस ले सकते हैं और इसके इर्द गिर्द हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको पता है कि ये किसके अंदर लिमिट रहेगा, 0 से लेके 2 पाई के अंदर, इससे बढ़ नहीं सकते, आपको पहले से दे रखा है। अच्छा, तो अब इधर मैंने 0 को लिख दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया, 2 पाई को लिख दिया, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा कितना, पाई बाय 4, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका पाई बाय 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 पाई बाय 4, तो हमको देखिए 3 इंटरवल मिल गया, इसी 3 इंटरवल में आपको हिसाब किताब करना है। अब ध्यान से देखिए क्या है कि एफ डेस एक्स क्या है, सर एफ डेस एक्स इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल सर। इसके बाद देखिए पूरा का पूरा हिसाब किताब ऐसे बैठ बैठ के होगा। एफ डेस एक्स मतलब क्या है कि कॉस का जो वैल्यू है उसमें से साइन का वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इतना समझ में आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कॉस बड़ा हुआ साइन से तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल सा बात है। और अगर कॉस छोटा हुआ साइन से तो इसका वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। बस इसी का ही हमें यूज करना है, इतना ही आसान है। देखिए कैसे, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप जीरो से पाई बाय के अंदर खेल खेलेंगे, सबसे पहले गेम स्टार्ट होगा, सबसे पहले देखा जाएगा जीरो से पाई बाय फोर के अंदर। आपको अभी मैंने क्या बताया कि जीरो से पाई बाय फोर के अंदर कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा, क्योंकि कॉस जीरो से स्टार्ट होता है वन और साइन जीरो होता है आपका जीरो, लेकिन यहाँ पर 45 पहुंचते ही दोनों सेम हो जाते हैं और फिर गेम उल्टा हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में जीरो से पाई बाय फोर के अंदर कॉस बड़ा होता है, तो अगर ऐसा है कि इस इंटरवल के अंदर कॉस बड़ा है साइन से तो कॉस माइनस साइन पॉजिटिव, मतलब यहां पे आपका आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव। इतना आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी यहां पे क्रॉस कर जाता है आपका पाई बाय फोर तो कौन बड़ा हो जाता है, साइन, और ये पूरा का पूरा यहां तक घूम के आ जाता है, इतना क्लियर है, 5 पाई बाय 4 तक क्या हो जाता है, साइन बेसिकली बड़ा रहता है कॉस से। यानी उस इंटरवल के अंदर अगर आप कॉस माइनस साइन कर दें तो ये हो जाएगा कॉस इज लेस देन साइन, नेगेटिव, क्योंकि देखिए उसके बाद हमें किसको कंपेयर करना है, 5 पाई बाय 4 ना,
पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 के अंदर पूरा का पूरा दुनिया में साइन बड़ा है। यहाँ पे तो साइन पूरा का पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पूरा का पूरा ये बड़ा ही है। यहाँ पे नेगेटिव होना शुरू होता भी है तो भी यहाँ पे साइन का वैल्यू बड़ा हो जाता है। उस वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला आउटपुट जो है वो नेगेटिव आएगा, कॉस माइनस साइन नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर है? इस वजह से मैं इसको लिख देता हूँ नेगेटिव इस वाले पार्ट के लिए। लेकिन द मोमेंट 5π/4 क्रॉस होता है और सीधा जाता है कहां तक, 2π, फिर से कौन बड़ा हो जाता है, कॉस। इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने वाले क्या कह गए कि जहां पे पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग और जहां पे नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहां पे कौन सा इंटरवल हमें लिखना पड़ेगा? आप चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर, इतना आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप आराम से रेस्ट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।